ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे नहीं बोलना। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नॉर्मल, बेटा बैठ जाओ इशिता, वेरी गुड, यू कैन गो नाउ। ठीक है, चलिए हम नॉर्मल को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा? हाउ द नॉर्मल इज डिफाइंड? नॉर्मल इज अ लाइन, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है बेटा आपको। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, विच इज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। यू कांट ड्रॉ नॉर्मल लाइक दिस, ऐसे नहीं बना सकते ना। यहाँ पे आप कैसे करोगे? आप एक लाइन ड्रॉ करोगे विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हमारा मिरर है, इस मिरर के ऊपर क्या होनी चाहिए? वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट बेटा? दिस इज अ नॉर्मल। एंड अनदर थिंग ऑल्सो, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं देखना कि आपने ये बोल दिया मैम, चलो जी आपने मिरर बोला था, हमने तो एक लाइन परपेंडिकुलर बना दी और इंसिडेंस रे यहां जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो नॉर्मल है ना बच्चा, हमेशा कहां पे जाएगा बताइए जरा? ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होगा। ये जो पोजीशन है इसकी, दिस पोजीशन इज रॉन्ग। ऑल्दो इट इज परपेंडिकुलर बट दिस इज रॉन्ग। राइट क्या होगा? राइट वाले पोर्शन क्या है? ये जो येलो वाली लाइन यहां पर इंसिडेंट के साथ मीट करेगी। सो व्हाट विल बी द नॉर्मल? इट इज अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी पास होना चाहिए आपका। इज दैट क्लियर बच्चा? ठीक है, तो इस चीज छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखने। ऐसे भी इस केस में देखो, अब मैं नॉर्मल यहां नहीं बना सकती ना, ये वाला क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे भी नहीं बना सकती, मैं यहाँ पे भी नहीं। आई कांट ड्रॉ इट हेयर हेयर, आई कांट प्लॉट इट लाइक दिस। सिर्फ कौन सी पोजीशन ठीक है मेरे पास? विच पोजीशन इज करेक्ट? सिर्फ ये वाली जो लाइन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? चलिए, हमने मेन यही पढ़ा था बेटा रिफ्लेक्शन के बारे में। एनीथिंग एल्स, कोई प्रीवियस टॉपिक से डिस्कस करना चाहता है मल्टीपल इमेजेस को लेकर या रिफ्लेक्शन को लेकर? एनी डाउट इफ एनीवन हैव कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस टेल मी फास्ट, एट्थ ए एनी डाउट? नो एट्थ बी नो नो, वेरी गुड। चलिए, सो बच्चा टुडेज टॉपिक इज, देखिए आपने बहुत सारे फिनोमिनास देखे हैं बेटा। आपने रेनबो की फॉर्मेशन देखी है बच्चे? रेनबो देखा सबने? सबने देखा है। कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? सेवन। और सबसे नीचे कौन सा कलर होता है रेनबो में? क्या होगा? है ना? तो सबसे जो नीचे जो आर्क बनती है दैट इज ऑफ वायलेट कलर, ठीक है बच्चा? उसके टॉप पे क्या बन रही है सबसे बड़ी आर्क? रेड कलर की, ठीक है बच्चा? ये क्यों ऐसे आर्क नीचे आती है ऊपर आती है बेटा, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं बस कि ये जो रेनबो बना है इसका फिनोमिना क्या है, हमारी नेचर में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण रेनबो बना। हमेशा तो नहीं बनता है, नॉर्मली कब बनता है? जब रेन शॉवर होती है, बारिश बंद हो जाती है एंड इमीडिएट सनलाइट आ जाए, है ना? अगर बारिश रुक गई और सन लाइट्स आ चुकी हैं, सन दोबारा से मतलब हमें दिखना शुरू हो गया, सन रेज फॉल कर रही, तभी हमें रेनबो दिखेगा, अदरवाइज तो नहीं दिखेगा। तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो एटमॉस्फेयर में ऐसा है कि वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं और सनलाइट है, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा हो रहा है जिसके कारण रेनबो की फॉर्मेशन हो रही है। तो वो क्या चीज है, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? देखो, ये सनलाइट फॉल की हमने रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना पढ़ा था, अभी वही डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही हो रही है। एक दो फिनोमिना और होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर एक फिनोमिना और होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ क्या होता है। दो फिनोमिनाज यहाँ अक्कर हो रहे हैं बेटा, एक डिस्पर्शन और एक रिफ्लेक्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्पर्शन मीन्स
देखो इस लाइट पे आप व्हाइट लाइट देख पा रहे हो बच्चे, यू आर एबल टू सी व्हाइट लाइट? ठीक है, ये जो व्हाइट लाइट है देखो यहां से आ रही है, और जब ये प्रिज्म, आपने हैव यू एवर सीन प्रिज्म, आपने स्कूल में देखा है कैसा होता है? हाँ जी बेटा, समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसा होता है। अच्छा, इसमें कितने ट्राइंगल्स होते हैं एक प्रिज्म में, कौन बताएगा? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ प्रिज्म? एट ए अनुभव, यस, मैम टू टू ट्राइंगल्स। एंड और कौन सी शेप होती है ट्राइंगल प्रिज्म के अंदर? एक तो ट्राइंगल होता है, और क्या होता है इसके अंदर? एनी ज्योमेट्रिक शेप, एनी अदर ज्योमेट्रिक शेप? नो स्प्रिंग, बच्चा बताना नहीं है। क्या क्या होगा ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? मेरे पास दिख रहा है, ये कैसी शेप दिख रही है बताओ, ये क्या दिख रहा है? दिख रहा है ये वाला पोर्शन, सामने वाला, बताओ कैसी शेप है? चलो, एनीवन एल्स? स्क्वायर स्क्वायर या फिर इसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो यहां पर बेटा एक प्रिज्म के अंदर, आप दोबारा देखना बेटा लैब में जाके, मैम प्लीज इनको एक बार दिखाइएगा सर्फेसिस के बारे में, प्लीज आप एक बार इनको दिखाइए फिर, क्योंकि ये चीजें 10th में भी यूज होती है ना इनकी, प्रिज्म के सर्फेसिस वगैरह की, तो इनको हेल्प रहेगी। ऑलरेडी मैंने शो कर चुकी हूँ, बट दोबारा भी करती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है बच्चे, तो थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं बेटा, और टू ट्रायंगुलर, दो ट्रायंगल्स एंड थ्री रेक्टेंगल्स होते हैं बच्चे इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है हमारा। अब ये देखो प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट फॉल कर रही है, दिस व्हाइट लाइट आप देख सकते हो ना, थी तो व्हाइट कलर की, बट यहाँ आते आते उसके अंदर ये देखो आपको ये 7 कलर दिख रहे होंगे। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, शाबाश। और ये अगर इसको ज्वाइन करो तो क्या वर्ड बना नीचे से? विबग्योर, विबग्योर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 7 कलर्स आए कहाँ से? मतलब ये 7 के 7 कलर्स किसके अंदर थे? व्हाइट लाइट के अंदर थे, राइट? अब जब ये व्हाइट लाइट में से 7 कलर्स निकले, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बेटा डिस्पर्शन। ठीक है, और जो ये हमें 7 कलर्स मिले, इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। डू यू हैव दिस शीट आल्सो बच्चे? ये शीट भी है आपके पास? ये नहीं है ना? ओके, कोई बात नहीं बच्चा, ये समझ लो आप, हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। लिख लो बेटा ये चीज, डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए एक तो। जूम, ठीक है, सब तो मैं ऊपर ही कर लेती हूँ। डायग्राम डेफिनेशन ऑफ हाँ जी बेटा, राइट द डेफिनेशन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स, इंटू 7 कलर्स व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, राइट बेटा? व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म,
स्पेक्ट्रम की लिख लीजिए बच्चे इसके बाद, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए इट इज अ बैंड ऑफ, इट इज अ बैंड ऑफ बैंड ऑफ सेवन कलर्स, राइट बेटा? इट इज अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स। ठीक है, दीज सेवन कलर्स आर, दीज सेवन कलर्स आर आर, बेटा डाउन से लिखना शुरू कीजिएगा, बॉटम से, वायलेट, इंडिगो। दीज सेवन कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, हाँ जी लिख लीजिए आगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज विबग्योर, है ना, शॉर्ट में हम विबग्योर बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, बच्चा सभी लिखिए, हाँ जी बेटा, गुड। दिस इज ऑल्सो नोन एज विबग्योर, राइट बेटा? डन? मैम यस, ओके बच्चा। तो बच्चा देखो अब रेनबो की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, रेनबो कैसे बन रहा है। चलो फिनिश कर लो एक मिनट फटाफट जल्दी से सभी। करें स्टार्ट। अब देखो रेनबो में भी क्या हो रहा है बच्चा, सनलाइट हमारी होती है व्हाइट लाइट बेटा, सनलाइट में होती है व्हाइट लाइट, ठीक है। अब जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, हमने बोला कि रेन शॉवर के बाद ये पानी की एक ड्रॉप है, लेट अस से ये पानी की ड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर में प्रिज्म की तरह काम करती है। कैसे काम करती है ये? प्रिज्म की तरह, ऑल्दो इसकी शेप प्रिज्म की तरह नहीं है, बट ये इसका फंक्शन प्रिज्म की तरह है। अभी प्रिज्म ने क्या किया था बताइए? यस, व्हाइट लाइट को उसने सेवन कलर्स में स्प्लिट कर दिया था। अब यही सेम काम हमारी जो ड्रॉप्स है ना बेटा वो कर रही है, ठीक है बच्चे? कौन कर रही है? पानी की जो ड्रॉप्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो यही काम कर रही है, सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है और ये उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है। एक तो रिफ्लेक्ट किया जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, दूसरा उन्होंने काम क्या किया, इन व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर दिया, सेवन कलर्स में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया लाइट को, ठीक है। तो उसके कारण ही सेवन कलर्स अपीयर होते हैं हमें, और हमारी आंखों तक कोई भी चीज कैसे पहुंचती है, जब लाइट रेस किसी चीज पे टकराएगी और फिर हम तक पहुंचेगी। ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि ये इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पे टकराएगी और हमारी आईज तक पहुंचेगी, यहाँ पर हम खड़े हैं, दिस इज आर आई, लेट अस से, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं। रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी आईज तक पहुंचेगी तभी हमें कुछ भी चीज दिखाई देती है। तो कौन कौन से दो फिनोमिना हुए बेटा यहाँ पर? एक तो डिस्पर्शन होता है पहले, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुई, इसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चा, स्पेलिंग गलत हो गया, एटमॉस्फेरिक है ये, नहीं आएगा, ठीक है, ठीक कर लेना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इज दैट क्लियर बच्चा? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है इसलिए हम इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इज दैट क्लियर बेटा? यस। चलिए अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सबको क्लियर, प्रिज्म सबको क्लियर, यस। चलिए अब हम आते हैं बेटा ह्यूमन आई पे, चले आगे चले। आपने क्या क्या पढ़ा है ह्यूमन आई के बारे में?
यस, कौन बताएगा मुझे? एनी वन फ्रॉम क्लास 8A? जिया शर्मा। 8B से बुलाते हैं, चलो रुको, 8B की टर्न नहीं आई किसी की, 8B से बुलाते हैं। पुनीत कौर। मीन्स हाँ जी बेटा, क्या क्या पढ़ा है आपने ह्यूमन आई के बारे में, आपको क्या क्या पता है? मैम, वी हैव रेड अबाउट इट्स पार्ट्स, यस, कॉर्निया, आयरिस, ओके क्लेरा, ओके ओके, पुपिल, लेंसेस। वेरी गुड। डू यू नो द वर्किंग ऑफ आई एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ आई ऑल्सो? मैम यस, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द आई इट जी फ्रॉम द कॉर्निया टू द प्यूपल एंड देन ऑप्टिक नर्व पासेस टू द ब्रेन एंड इट वी सी द इमेज। ओके, सो हैव यू सीन व्हाट इज आयरिस? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज आयरिस? कौन बताएगा? होता कहाँ पे? आपको दिखते हैं आपकी आईज में आयरिस? आर यू एबल टू सी द आयरिस? यस बच्चा, कलरफुल पार्ट ऑफ अवर आई, कहाँ पर होता है ये? कैसी शेप होती है इसकी? यस, बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड दिशांत। थोड़ा सा वर्किंग में गड़बड़ थी आपकी, एनी हाउ वो तो रिवाइज करोगे हो जाएगा। दिशांत, यस बच्चे, सर्कल। आयरिस, चलो बोलो। सर्कल सर्कल शेप कौन से कलर की होती है बेटा ये? ब्लैक। ब्लैक डू एवरीवन हैव ब्लैक आयरिस? मैम, नो किसी की ब्राउन भी होती है, यस किसी की ग्रीन भी होती है, ब्लू यस होती है ना? हमने तो यहाँ पे पिक्चर में बड़ी अच्छी सी ब्लू आई लगा रखी है, ब्लू भी होती होगी इसका मतलब, यस है ना? हम कईयों को बोल देते हैं ना बिल्ली आंखों वाला है, बिल्ली जैसी आंखें हैं बोल देते हैं ना, है ना? ह्यूमंस में, एनिमल्स में, किसी में भी हो, आयरिस इज देयर, सब में प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें डिफरेंट कलर क्यों है भाई? किसी का ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट इज सो, बताओ कुछ लॉजिक लगाओ। चलो हमने पढ़ा है कलर्स के बारे में अभी तक, देखो आपने वर्किंग आईज की बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, आई थिंक सबको आती भी होगी, पार्ट्स भी डिस्कस करने आते होंगे, बट डू यू ऑल्सो नो दैट हमारी आईज के अंदर जितने भी हमने अभी तक फिनोमिनास पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, अब्सॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, इवन एक और फिनोमिना मुझे डिस्कस करना है, रिफ्रैक्शन, सब कुछ चक्कर होता है बेटा हमारी आईज में। आपको फिजिक्स में आई का टॉपिक होने का आज पर्पस समझ आएगा कि क्यों ये टॉपिक है वहां पर, नहीं तो हमें यही लगता है कि हम पढ़ तो फिजिक्स रहे हैं, आईज का पता नहीं बीच में कहां से आ गया, है ना? तो हम अब समझेंगे जितने हमने फिनोमिनास पढ़े हैं सभी यहां पर हो रहे हैं, इसीलिए ये टॉपिक आपकी बुक में फिजिक्स चैप्टर के अंदर है। बट कौन कौन से फिनोमिनाज हैं? आयरिस का कलर क्यों डिफरेंट है बताइए? आपके सामने टेबल पड़ा है, आपको ग्रीन क्यों दिख रहा है बेटा बताइए? दिशांत, ये टेबल आपको ग्रीन क्यों दिख रहा है जिसके ऊपर माइक रखा हुआ है? यस, मैनी हैंड्स आर रेज्ड फ्रॉम क्लास 8B, वेरी गुड। एनी वन फ्रॉम क्लास 8A? कोई भी कलर, आपके बैग का कलर, डेस्क का कलर, एनीथिंग, आपको क्यों उस कलर की दिख रही है? चलिए 8A में से चलिए कोई बताइए, 8A में से मुझे कोई बताइए मैम, बताइए कौन, किसी बच्चे को भेजिए प्लीज। मैम बिकॉज मैम वो सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर सपोज करो, अब व्हाट्स योर नेम बच्चा? हैं। शुभकरण, शुभकर्मन शुभकर्मन, ओके बेटा जी। हाँ जी शुभकर्मन, तो मुझे ये बताओ, लेट अस से आपकी आईज का कलर ग्रीन है, तो वो ग्रीन क्यों दिख रहा होगा?
क्योंकि मैम वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। यस दैट इज व्हाट। बैठ जाइए बेटा दोनों आप अपनी सीट पे जाके। ठीक है, क्या हो रहा है कि हमारी जो आयरिस है ना बच्चा, जो हमारी आयरिस है इसके ऊपर हमारी लाइट फॉल करती है। देखो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से हमारी लाइट फॉल करती है बेटा इसके ऊपर, आयरिस के ऊपर। यहां से आप समझ लो इस तरीके से लाइट्स आ रही है। ठीक है, ये लाइट्स फॉल की। अब लाइट्स में क्या है, आयरिस भी क्या करती है, कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। दो फिनोमिनाज यूज हो गए, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन हुए। तो जो लाइट्स एब्जॉर्ब हो गई वो तो वेनिश, जो रिफ्लेक्ट हो गई उस कलर की आपकी आईज दिखेंगी। जर्नली हमारा जो आईरिस होता है वो ज्यादातर ब्लैक या डार्क ब्राउन होता है। तो ब्लैक कलर का मतलब क्या है, आईरिस ने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, सारी की सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। जिसके अंदर ऐसे हो रहा है, जिसकी आईज में, उसकी आईज के आईरिस का कलर हमें क्या दिखता है, ब्लैक। ठीक है, किसी का ब्लू दिख रहा है जैसे कि इस केस में, तो ये क्या कर रहे हैं, दिस आयरिस इज एब्सॉर्बिंग एवरी कलर एंड रिफ्लेक्टिंग ओनली ब्लू कलर। दैट इज वाई द कलर ऑफ दिस आयरिस इज अपियरिंग ब्लू। एम आई क्लियर? नो यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो नो। ओके जी, चले आगे। चल, ये बेटा आपको सबको पता है कि क्या चीज हो रही है, कि लाइट फॉल करती है। ठीक है, कहां पर, देखो सबसे पहले हमारा आईज का ये जो बल्जिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, ये जो हमारा पार्ट है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक फिनोमिना और दिखाऊं। हमारी जो लाइट्स होती हैं बेटा वो बेंड भी होती है। जब लाइट रेज एक सरफेस से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दिस इज द नॉर्मल, जब ये दूसरे तरफ जाती है, जैसे कि सपोज यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, जब लाइट रेज एक साइड से दूसरी तरफ जाती है तो ये सीधी नहीं रहती बेटा। देखो इसका एक्चुअल पाथ ऐसे था, बट ये मुड़ गई थोड़ी सी, मुड़ी ना, दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं लाइट रे बेंड हो गई है, और इस बेंड को होना हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, शाबाश। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हमारी आईज में देखो, अभी हमने, हमारे पास दो फिनोमिना बचे हैं, एक ट्रांसमिशन और दूसरा रिफ्रैक्शन। क्या ये फिनोमिना भी हमारे आईज में हो रही है? हो रही है, अभी समझते हैं। देखो दिस इज द कॉर्निया। कॉर्निया बेटा बल्ज होता है इस तरीके से। जो भी चीज बल्ज होगी ना बेटा, वो रेज को क्या कर देगी, थोड़ा सा बेंड कर देती है। इज दैट क्लियर? समझ आई ये चीज? यही रिफ्रैक्शन होती है, ये हमारी आईज में भी हो रही है। जो ये आयरीज है बेटा, आप देख पा रहे होगे ना बीच में ये छोटा सा ब्लैक पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। जो लाइट हमारी आईज के पास जाती है, जो रेटिना में फॉल करती है, रेटिना के ऊपर फॉल करती है, वो जितनी भी लाइट फॉल करती है वो आयरिस से ही क्रॉस होकर निकलती है। ये देखो ये बीच में पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला है ना, तो ये क्या कर रहा है बताइए। लाइट रे तो बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, यहाँ पे भी फॉल की, यहाँ पर भी फॉल कर रही है, सारी जगह ये लाइट रेज यहाँ पर हमारी आईज पे फॉल कर रही है। बट फ्यू लाइट रेज जो हमारे कहां पर होगी, कहां पर होगी, जो प्यूपिल के सामने होगी, वो क्या कर जाएंगी, यहां से ट्रांसमिट कर जाएंगी। ठीक है बच्चे? जैसे कि लेटर से ये वाली मैं अलग कलर से बना देती हूँ, ये वाली लाइट में जैसे कि ये पास कर जाएगी। ठीक है, ये वाली भी पास करेगी, और कोई बनाए लेटर से ये भी पास करेगी। समझ आया बच्चे? पास होने का मतलब ट्रांसमिट होना, ट्रांसमिशन हो रही है। तो जो भी हमारी लाइट हमारी आईज पे फॉल करती है, प्यूपिल से वो ट्रांसमिशन करती है, प्यूपिल के थ्रू वो हमारी आईज के अंदर एंटर कर जाती है। समझ आए बेटा? हाउ मेनी फिनोमिनाज वी हैव डिस्कस्ड? एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, रिफ्लेक्शन हो चुकी है, एंड ट्रांसमिशन हो गई। यही तीन चीजें पढ़ी थी अभी तक, और तीनों प्रोसेस हमारे आईज के अंदर अकर हो रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चा? Yes. ओके चलिए,
अब मैं एक बेंडिंग के लिए आपको थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा रही हूं, ध्यान से देखना, आप देखना कि बेंडिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। लाइट रेज वैसे ही काम करती है बेटा, ठीक है? ओके जी, एक मिनट बस। चल, ये ग्लास दिख रहा है आपको? ये कैसे दिख रहा है ये बताओ मुझे। ये देखो मेरे पास सीधा है स्केच, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये देखो ठीक है बिल्कुल सीधा। अब ये मैंने इसमें डाला, अभी कैसा दिख रहा है आपको? बैंड बेंड हो गया। तो देखो इसका कुछ पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एयर में है, देखो इतना पार्ट पोर्शन इसका पेन का एयर में है। अब जब वो एयर से वाटर में एंटर की, मैंने हल्का सा मिल्क डाला हुआ है ताकि आपको थोड़ी बेंडिंग क्लियर दिखे, ठीक है? तो देखो तभी ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आपको वाटर, ओके? तो देखो जितना ये प्रोपोर्शन पानी के अंदर है उतना वो आपको बेंड दिख रहा है। तो क्या ये स्केच टूट गया बीच में से? हेलो। क्या ये कंप्लीट है? ये देखो अभी भी पूरा, ये तो है ना अभी भी पूरा है। तो यही ऐसे ही हमारी लाइट रेस भी बेंड होती है। चलो लाइट से भी देख लेते हैं एक बार कि लाइट से बेंड हो रही है। ये देखो पता लग रहा है आपको? एक मिनट लाइट ऑफ कर। अभी देखना, देखो क्या दिख रहा है आपको? नथिंग नथिंग। अभी बताओ, ये देखो बेटा लाइट रे दिख रही है आपको बेंड हुई, अपीयर हो रही है। ये देखो जितना पोर्शन उसका एयर में है वो उसकी डायरेक्शन अलग है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, शायद आपको ग्लास में दिखे नहीं रही। ये देखो ऐसे करती हूँ, एक मिनट बेटा। ये देखो दिख रही है बेटा आपको लाइट रे? ये एक्चुअली ना ग्लास में से आपको एयर में ट्रेवल करती हुई नहीं ना दिख रही लाइट रे, क्योंकि वो है पानी के अंदर दिखेगी बस आपको, और पानी के अंदर स्ट्रेट जा रही है ये, ठीक है? तो किसी भी मीडियम में आप ये देखो कि लाइट रेज जो जब ट्रेवल करती है ना वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। अच्छा एक चीज और देखो, क्या यहाँ पर आपको बीच में लाइट का पाथ दिख रहा है? ये देखो नहीं दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है? ये देखो अब दिख रही है ना लाइट भी आपको बीच में से हल्की हल्की दिख रही है? ये देखो लाइट का पाथ दिख रहा है, मैंने अब बेंड किया तो आपको लाइट यहां आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यहां पे सिर्फ आपको दो स्पॉट्स दिख रहे होंगे। ये देखो ठीक है, ये देखो सिर्फ दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो जो मैंने लगाया हुआ और एक दूसरी साइड। कुछ दिख रहा है बीच में आपको? नो। नो यहां पर ये देखो, एक मिनट, यहां देखो कितना क्लियरली लाइट का पाथ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, और यहां हमारे पास वाटर, मैंने क्या दिया होगा, मिल्की वाटर। मिल्की वाटर जो है वो लाइट के पार्टी जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा स्कैटर हो पा रहे हैं, ठीक है? वो क्या पार्टिकल्स क्या हो पा रहे हैं, स्कैटरिंग ज्यादा कर पा रहे हैं। स्कैटरिंग का मतलब पता है आपको? लाइट का स्प्लिट होना। चलो मैं उस चीज में नहीं लेकर जाती, ये जो स्कैटरिंग अभी आपने देखा ना पानी के अंदर जो आपको लाइट दिखी थी, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
मे बी आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, या फिर आने वाली क्लासेस में आएगा, 9th में तो आ ही जाएगा आपके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो आपने लाइट का पाथ देखा पानी के अंदर, ठीक है बच्चे। तो अभी चलो हम बैक, वी विल बैक टू आर ह्यूमन आई। ये समझ आ रहा था आपको अभी तक? आपने एक फिनोमिना देखा जिसके अंदर लाइट रेज बेंड हो रही थी। अब देखो बच्चा यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो कॉर्निया था इसने लाइट रेज को स्लाइटली बेंड किया, कुछ रेज सीधी भी आ रही होंगी। अब ये जो रेज थी ना बच्चे, कहाँ से पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है, प्यूपिल से पास कर रही है, ठीक है बच्चा। चलिए ये प्यूपिल से पास, पहले सबसे पहले कॉर्निया से पास करेंगी, फिर कुछ रेज कॉर्निया एब्जॉर्ब, सॉरी आयरिस एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ रेज प्यूपिल के थ्रू आगे चली जाएंगी। हमारे इस प्यूपिल का साइज ही बेटा छोटा बड़ा होता रहता है। छोटा कब होगा, जब हमें कम लाइट की जरूरत होगी, जैसे कि ब्राइट लाइट में, आप सनलाइट में जा रहे हो, एकदम से डार्क रूम से बाहर निकल रहे हो, तब हमारी आईज को कम लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। तो प्यूपिल का जो आयरिस का ये जो साइज है ना प्यूपिल का, ये पहले से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे अभी ये इतना है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और जब आप डार्क रूम में जाओगे तो यू नीड मोर लाइट, आपको ज्यादा लाइट की जरूरत है, फिर इसका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल समझो, सपोज करो आप दिन में रूम में बैठे हो, ऑलरेडी रूम के अंदर बहुत लाइट आ रही है, तो आप कर्टन्स को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, है ना, कि ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, पहले ही रूम में बहुत लाइट आ रही है, तो हम कर्टन्स को बंद कर देंगे। तो विंडो के ऊपर जो कर्टन का पार्ट था वो हमने क्या कर दिया, ये जैसे विंडो थी तो कर्टन हमने पूरा लेटर से इतना बंद कर दिया, थोड़ा सा खुला छोड़ा, बाकी कर्टन हमने बंद कर दिया। रात को शाम को बाहर लाइट कम हो जाएगी तो हम कर्टन को खोल देंगे, ज्यादा कर खोल देंगे। तो ये साइज क्या हो गया, कॉर्निया जो प्यूपिल का साइज था वो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है शाम के टाइम, या फिर जब कम लाइट होती है तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जब ज्यादा लाइट होगी तो इसका साइज ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। समझ आया बेटा इतना, ठीक है। अब चलिए, अब लाइट रे देखो, ये जो हमारा लेंस है, आयरिस हो गया, आयरिस पहुंच समझ लिया हमने, हमने कॉर्निया के बारे में समझ लिया कि वो लाइट रेस को थोड़ा सा बेंड कर देता है, फिर लाइट रेस आयरिस पे फॉल करेंगी, फिर वो प्यूपिल पे फॉल करेंगी, आफ्टर दैट वो कहाँ जाएंगी बेटा, लेंस के पास जाएंगी, लेंस के ऊपर फॉल करेंगी। ये लेंस होता है बेटा बाय कॉन्वेक्स लेंस, हमारी आईज के अंदर होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय, हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय, कैन एनीवन, इसका मतलब होता है टू। ये देखो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस देखो तो वो ऐसी शेप का होता है, तो दोनों साइड ही इसकी उभरी हुई है, ठीक है, बल्ज है, बोथ साइड्स आर बल्ज, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। बट ये कॉन्वेक्स लेंस बेटा जैसा हम देखते हैं ना हार्ड ग्लास का नहीं बना होता, ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, जैसे रबर को आप स्ट्रेच कर सकते हो ना, उसी तरीके से ये भी अपना साइज एंड शेप चेंज कर सकता है, फिक्स नहीं होता ये। और इसका साइज और शेप कौन चेंज करता है बेटा, सिलियरी मसल्स, ये इसके पास सिलियरी मसल्स होते हैं जो इस आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं। और जैसे आपने दो साइड से इलास्टिक बांध लिया रबर बैंड के साथ, है ना, क्या करोगे उसको स्ट्रेच करोगे तो वो पतला हो जाएगा, ऐसे होगा ना, लेटर से ये रबर बैंड है आपका, आप यहां से और यहां से पुल करोगे तो इसके शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये थोड़ा सा इस शेप में चला जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कंप्रेस करोगे फिर ये कैसी शेप में चला जाएगा, इस शेप में चला जाएगा, पहले से थोड़ा थिक हो जाएगा। समझ आई बेटा ये चीज, इज दैट क्लियर। आप स्ट्रेच करके देखते हो, रबर बैंड को जब स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, थिन हो जाएगी उसकी शेप, पतली हो जाएगी, जब आप उसको पास करोगे तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, बल्जिंग ज्यादा हो जाएगी उसकी बोथ साइड पे। तो इस आई लेंस की शेप चेंज होती रहती है, क्योंकि हम कभी भी एक फिक्स्ड डिस्टेंस के पर नहीं देखते, कभी हम दूर की चीज देखते हैं, कभी हम पास की चीज देखते हैं, कभी बहुत पास की देखते हैं, कभी बहुत दूर की देखते हैं, है ना।
तो अब क्या चीज है, ये लेंस है जो कि हमें हेल्प करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर जो रेज आ रही है, वो सभी रेज हमारे कहाँ पर फॉल करें, रेटिना के ऊपर फॉल करें। जब तक हमारी रिफ्लेक्टेड रेज रेटिना पर फॉल नहीं करती, जैसे सपोज करो हम स्पेक्टिकल्स क्यों लगाते हैं, कई बच्चों को ब्लर दिखता है, दूर लास्ट बेंच पे बैठे हैं तो ब्लर दिख रहा है, किसी को हो सकता है फर्स्ट बेंच पे बैठ के क्लियर ना दिख रहा हो और पीछे जाकर क्लियर दिखे। इट मीन्स क्या हो रहा है कि इमेजेस जो है रेटिना पर नहीं बन रही है। आई बेटा बात समझ, कहाँ बननी चाहिए इमेज, रेटिना। इमेज का मतलब पता है आपको, जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आती है ना बेटा, जैसे ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज हमारी आईज में बन रही है। इस ट्री को हम जब देखते हैं ना रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे मैंने मेरे सामने एक ग्लास पड़ा है, उस ग्लास को मैं जो देख रही हूँ ना, वो तो मैं ऑब्जेक्ट देख रही हूँ, बट रेटिना पर मेरे क्या बन रही है, उसकी इमेज बन रही है। समझ आया बेटा, क्लियर हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे आईज में इमेज बनती है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब देखो हुआ क्या, क्या हो रहा है कि लाइट रेज आई इस तरीके से। अब हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो अभी मैंने बताया बल्ज होता है, जो चीज बल्ज होती है ना बेटा, वो लाइट रेज को ऐसे बेंड कर देती है, ठीक है बच्चे, मोड़ देती है। अब ये लाइट रेज क्या हो रही है, ये बेंड हो जाएंगी। समझ आया बेटा आपको ये? अब ये लाइट रेज क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, ये इस तरीके से आएंगी, ठीक है, और ये इस तरीके से बेंड हो जाएंगे। थोड़ा सा डायग्राम बेटा, ऑप्टिक नर्व थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए थी, इस तरीके से यहां पर बना, इस तरीके से सपोज करो यहाँ रेटिना है और ये लाइट रेज सारी कहाँ मीट करती है, इस तरीके से ऊपर मीट करती है, ठीक है, ये बेंड हो जाएंगी लाइट रेज, ये भी ये इस तरीके से थोड़ी सी बेंड होंगी, ठीक है बेटा। ये ना थोड़ा डायग्राम की शेप ठीक नहीं आई हुई, मैं आपको रफली बता देती हूँ बेटा। जैसे ये आया ना, ये आपका रेटिना है लेटर से यहाँ पर, और ये आपका आई लेंस है, ये लाइट रेज ऐसे आएंगी और ऐसे जाकर मीट करेंगी। थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे हो? ये आपका पॉइंट क्या है, रेटिना, यस ठीक है। अगर रेटिना पर इमेज बन रही है तो आपको क्लियर दिखेगा, इन केस अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनती तो हमें कैसा दिखता है, ब्लर दिखता है। एम आई क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या चीज है, अब हमारे पास ये आंख अंदर से क्या है, इसके अंदर बेटा कुछ फ्लूइड भरे हुए हैं जो कि उस आई को एक शेप दे रहे हैं। शेप पता है कैसी होती है आईज की, जैसे एग होता है ना, ये देखो अगर आप इसको देखो, ये बेसिकली क्या शेप बन रही है, एग शेप बन रही है, बन रही है ना, यस ठीक है। तो बेसिकली हम आई बॉल, जो हमारी आंख की बॉल होती है ना, उसको हम बोलते हैं वो एग शेप्ड होती है। इज दैट क्लियर? एग तो देख रखा होगा सबने, नहीं तो पढ़ा भी है मेरे पास, ठीक है। ये देखो दिख रहे हैं, ठीक है, तो देखो एग का थोड़ा सा एक पॉइंटेड एंड है और एक थोड़ा सा मोटा एंड होता है, इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंटेड वाली साइड होती है ना, ये हमारी बाहर की तरफ होती है और राउंड वाली साइड हमारी अंदर की तरफ होती है। अब क्या ये अंदर से खाली होता है? नो नहीं, इसी तरीके से हमारी आईज भी बेटा अंदर से खाली नहीं होती। तो क्या होता है आईज के अंदर, इसके अंदर दो फ्लूइड होते हैं। यहां पर फर्स्ट पार्ट में जो कहां पर होता है हमारा, एक पार्ट होता है एक्वस ह्यूमर, बच्चा लिखा हुआ है शायद यहाँ पर, विट्रेस लिखा हुआ है, एक्वस नहीं लिखा हुआ शायद यहाँ पर। तो ये जो स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वा का मतलब होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा, वाटर। वाटर तो जो हमारे टीयर्स आते हैं, वॉटरी सब्सटेंस होते हैं, इसमें नियरली नियरली 99% वाटर होता है, एंड 1% बेटा को इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं।
99% वाटर होते हैं, इज दैट क्लियर? और ये जो हमारा यहाँ का बीच का पोर्शन है, ये इसमें क्या होते हैं? विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। तो ये क्या चीज है बेटा? विट्रस का मतलब होता है ग्लासी, ग्लासी, ग्लास, देखा है जैसे ये ग्लास है, ठीक है, जैसे कि ये ग्लास है, तो ये क्या है? ये ग्लास की तरह हार्ड नहीं होता है बेटा, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं ना? कई बार कोई पूछ ही लेके इसका मतलब क्या है, विट्रस का मतलब क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि विट्रस का मतलब ग्लास होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमने इसका नाम उठाया है विट्रस ह्यूमर। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, बट इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस कि जिसमें से रेज पास कर सके। हार्ड होगा तो रेज नहीं पास कर पाएंगी, ठीक है, तो रेज इजिली इसमें से पास कर सके। क्लियर हो रहा है बच्चा? ठीक है, देखो हमने इसके बारे में अब देखो क्या पढ़ा। फिर ये जो रेज है बेटा हमारी रेटिना पर फॉल करती हैं, ये देखो बहुत सारी इसमें ऑप्टिक नर्व्स बनी हुई हैं, ये सारी नर्व्स बनी हुई हैं। अब ये नर्व्स क्या करती हैं? ये जो रेटिना पर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, ये ऑप्टिक नर्व्स उसको कहाँ ले जाती है? हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन फिर हमें बताता है कि आप क्या देख पा रहे हो। जैसे अब मैं आप सबको देख पा रही हूँ, है ना, आप मुझे देख पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो, तो ब्रेन हमें बता रहा है कि हम क्या क्या देख रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चा? समझ आ गई ये चीज? चलो, और कुछ इसमें आपको पूछना हो तो देखो क्या क्या फिनोमिना हुए इसके अंदर, बता सकते हो आप? देखो सबसे पहले कॉर्निया, सबसे पहले बेटा रिफ्रैक्शन करता है, थोड़ी सी लाइट रे कॉर्निया भी बेंड करता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होती है। फिर जो हमने आयरिस में पढ़ा, आयरिस का कलर डिफरेंट डिफरेंट क्यों दिख रहा है किसी के अंदर, कौन सा कलर है किसी का? आयरिस का कोई कलर है, क्यों है वो कलर, कौन बताएगा? रिफ्लेक्शन नो, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली, ऑफ व्हाट व्हाट अदर फिनोमिना इज गोइंग ऑन हियर? एब्जॉर्प्शन। सपोज करो ये ब्लू कलर की आईज है, इस पे लाइट फॉल कर रही है बहुत सारी, अब ये क्या करेगा कि सभी कलर्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज अपियरिंग ब्लू। फिर वहां से लाइट रेस प्यूपिल से जाएंगी लेंस की तरफ, लेंस के साइज को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? सिलियरी मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, राइट बेटा? सिलियरी मसल्स कभी इसकी थिकनेस को कम कर देंगे, कभी थिकनेस को ज्यादा कर देंगे, ताकि हर बार जो इमेज है वो कहां बने? रेटिना पर बने, ठीक है। तो रेटिना पर जब इमेज बनती है, फिर क्या करते हैं, वहां पे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये सब सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, और वो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं, जो कि हम एनालाइज करते हैं फिर कि हमने क्या देखा। इज दैट क्लियर? Yes. समझ आया? फिनोमिना समझ आए? तो देखो प्यूपिल से जब लाइट रे जाएगी तो कौन सा फिनोमिना अकर हो रहा है, जब जो लाइट रे प्यूपिल से जा रही है कौन सा फिनोमिना हो रहा है बच्चे? ट्रांसमिशन। Transmission. दैट्स वेरी गुड, ट्रांसमिशन अक्कर हो रही है, राइट बेटा? फिर लेंस क्या करता है उन लाइट रेज को बेटा? बेंड कर देता है, सीधी लाइट रेज आ रही होती है उनको क्या करता है वो? बेंड कर देता है, लाइट रे को बेंड कर दिया, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिफ्रैक्शन। लाइट रेज आई, लेंस के ऊपर फॉल करती हैं, फिर वो लाइट रेज बेंड हो जाती हैं, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, यहां पर हमारा क्या है आईज का? रेटिना है। इज दैट क्लियर बेटा? दो तरह के हमने फ्लूइड पढ़े, एक एक्वस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर। एक्वस में मैक्सिमम क्या होता है प्रेजेंट? वाटर वाटर। और विट्रस में क्या प्रेजेंट होता है? अब इसको ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट विट्रस का मतलब क्लियर हुआ आज? समझ आया? चलो अभी मेरे को देखो, आप अपने अपने पार्टनर की आईज में देखो किसका कौन से कलर का आईरिस है, घूरना नहीं है एक दूसरे को। मैक्सिमम कलर देखो, देखो किसी की आईज का कलर ब्लू, ग्रीन,
लाइट ब्राउन, ऐसा कुछ कलर है? देखो जरा जल्दी से, नहीं है? है ना, मैम की कलर का आईज देख लो अच्छे से है ना? अरे देख लिया होगा, बस ये थे सभी लग गए। चलो मैक्सिमम कौन सा कलर है? ब्लैक है। ब्राउन, दोनों सेक्शन में से किसी का है? ब्राउन भी है। यस, ब्राउन भी बहुत होता है। ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे, आ जाओ 10th क्लास में, ये भी पढ़ोगे क्यों होता है ना मैम? चलो ठीक है जी, चलिए करें क्वेश्चन स्टार्ट बेटा। किसी का आयरिस है ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का? नहीं है, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे, 2 साल पढ़े हैं अभी, है ना, 1.5 साल। चलिए चले आगे, अब वर्कशीट निकाल लो, जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। चलिए, व्हाई आर सो बबल्स समटाइम्स कलरफुल? सो बबल में दिखते हैं ना मल्टीपल कलर, रेनबो जैसे कलर कितनी बार, तो ऐसा क्यों दिखता है बेटा? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, वेरी गुड। ठीक है, ओके जी, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, कम्स फ्रॉम द सन ओनली, फॉर्म अ विबग्योर। व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट के बारे में ही बात हो रही है बेटा, व्हाइट लाइट ऊपर आना चाहिए था एक्चुअली में ना ये। ये व्हाइट लाइट बेटा यही लिखा जाएगा, अबाउट व्हाइट लाइट लिखना था, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट व्हाइट लाइट? ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे थे वर्कशीट पे, क्या है? में पाई की जगह आई की जगह एक्स है। हाँ, विबग्योर, वाही कर लीजिए बेटा, जानबूझ के रखे थे मिस्टेक, देखते हैं कि बच्चे ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते कुछ, है ना, पता लग गया। चलो, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दिस इज राइट। व्हाइट लाइट कम्स फ्रॉम सन ओनली, और चलो आगे देखते हैं कि अब तक कोई और भी गलत हो। व्हाइट लाइट फॉर्म्स अ विबग्योर, जब भी वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी तो विबग्योर तो बन ही जाएगा, 7 कलर्स को विबग्योर ही बोलते हैं। रेनबो ऑल्सो स्प्लिट द व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स। मैम स्टेटमेंट अलग है, लास्ट स्टेटमेंट डिफरेंट है। लास्ट क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास? प्रिज्म आल्सो स्प्लिट द व्हाइट हाँ लाइट। जी, मैं भी वही देख रही थी, यहाँ पे रॉन्ग है, ये ग्लास प्रिज्म होगा बेटा, क्योंकि इस लाइन की सेंस नहीं बन रही है नीचे। रेनबो आल्सो स्प्लिट, रेनबो तो खुद ही स्प्लिटिंग के कारण बनता है, रेनबो स्प्लिट नहीं करता, या तो ग्लास प्रिज्म हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स हो, वाटर ड्रॉप्स इन एटमोस्फेयर। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट ठीक बनेगी, वॉटर ड्रॉप्स इन एटमोस्फेयर ऑल्सो स्प्लिट द व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर, तब ये ठीक हो जाएगी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी हुई बच्चे? बी बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये आपका राइट आंसर है। चले आगे, चलिए, कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये होता क्या है कैलिडोस्कोप? मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसा होता है? स्फीयर होता ट्रायंगल। है, ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल ऐसे और एक बेस पे भी होगा, है ना, ट्रायंगल होते हैं वो एक्चुअली, ट्रायंगल नहीं होते हैं वो, रेक्टेंगल ही होते हैं, जैसे अभी प्रिज्म देखा ना हमने, ये बस इसी को आप बड़ा कर दो, है ना, बड़ा हो जाएगा, सामने आमने सामने फेसेस वाले फेसेस ट्रायंगल रहेंगे, और साइड, दो साइड वाले और नीचे वाला रेक्टेंगल रहता है ना। तो कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करता है बेटा? हाँ मल्टीपल देखो, इसमें वैसे ही रिफ्रैक्शन नहीं आ सकता, रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, डिस्पर्शन भी नहीं हो रही, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट नहीं हो रही है, सिंगल रिफ्लेक्शन भी नहीं है, राइट आंसर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, फिर
कैलिडोस्कोप इज यूज्ड फॉर, यूज्ड एज अ टॉय बाय किड्स, यूज्ड टू गेट डिफरेंट ग्लास पैटर्न्स, यूज्ड टू हाइड वैल्यूएबल थिंग्स. इट्स नॉट हिट, इट्स हाइड. हाइड का मतलब होता है छुपाने के लिए, है ना. ऑल ऑफ अबव. बच्चे पास आके बोलो, थोड़ा समझ नहीं आया मुझे क्या बोला आपने. ऑप्शन बी यूज्ड टू गेट अ डिफरेंट ग्लास पैटर्न्स. ओके रख लेते हैं इसको. यूज्ड एज अ टॉय बाय किड्स, किड्स यूज नहीं करते खेलने के लिए. आजकल तो रेडीमेड बहुत मिलते हैं कैलिडोस्कोप बच्चों को खेलने के लिए, कलरफुल से. आप सर्च करना नेट के ऊपर, बड़े सारे कलरफुल से कैलिडोस्कोप बच्चों के खेलने के लिए निकल कर आते हैं. ठीक है, तो इसको टॉय की तरह भी यूज किया जाता है आजकल. ठीक है, यूज टू हाइड वैल्यूएबल, कोई भी कीमती चीज, कोई डायमंड की रिंग है लेट अस से, तो इसको कैलिडोस्कोप में डाल दो, वो ढूंढ मिलेगी नहीं, क्योंकि वो इतने पैटर्न बना दे कि पता ही नहीं चलेगा रिंग है भी है कि नहीं है उसके अंदर. ठीक है, तो ये वैल्यूएबल थिंग्स को हाइड करने के लिए भी यूज होती है. तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव. राइट बेटा, कोई डाउट तो नहीं है अभी किसी को. ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द रेटिना फीचर्स. अच्छा, रेटिना का बार मैं वो बताना भूल गई थी आपको, रेटिना के ऊपर रोड्स एंड कॉन्स भी होते हैं. ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स भी होते हैं बेटा रेटिना के ऊपर. ये पता है क्या होते हैं, क्या करती हैं ये दोनों ही बेटा? लाइट सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, कॉन्स हमें कलर्स बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कलर्स. जैसे कि अगर दिन का टाइम है तो आप कलर्स को आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो. आपने किया भी था ना, हमने शायद आपकी क्लास में, हाँ फर्स्ट क्लास में किया था, कि हमें डार्क में कम दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, बट लाइट होगी तो हमें बहुत सारे कलर्स दिखेंगे. अब वो बहुत सारे कलर्स हमें क्यों दिख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स. डे लाइट में, ब्राइट लाइट में जो कॉन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट जैसे ही अब रूम में आपके अंधेरा हो जाए तो कॉन्स सेल का जो वर्किंग है वो हो जाएगी वीक, और हमारी आईज में इमेजेस अच्छे से नहीं बनेंगी, तो इसलिए हम कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ठीक है बच्चे, अंधेरे में नहीं पता लगता ना काला कौन सा, काला काला ही दिखेगा सब, है ना, रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है, नहीं पता लगेगा ना अच्छे से. क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि हमारे कॉन्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. कॉन्स कब काम करते हैं अच्छे से? जब लाइट होती है. लाइट अच्छे से होगी तो कॉन्स अच्छे से काम करेंगे. ठीक है बच्चा, सो द रेटिना फीचर्स क्या क्या होता है रेटिना के पास? रोड्स होते हैं. रेटिना के पास क्या क्या है? मेरे पास वो, एक मिनट इधर से देख लेते हैं. रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, फोटोरिसेप्टर होते हैं. चलिए, फोटोरिसेप्टर, फोटो का मतलब होता है लाइट, और रिसेप्टर होता है रिसीव करने वाला. लाइट रिसेप्टर्स भी होते हैं, इन्हीं को हम कंबाइन करके भी बोल देते हैं बेटा. ये लेटर ऑन आप क्लासेस में पढ़ोगे. तो रेटिना के पास ये रॉड्स भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं. तो द राइट आंसर विल बी ऑल द अबव. चलिए आगे, ट्रू फॉल्स है. विट्रस ह्यूमर इज वॉटर लाइक सब्सटेंस विच कम्स आउट एज टीयर्स. फॉल्स. चलिए, क्यों फॉल्स है? तो कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा लिक्विड है जो एज ए टीयर बाहर आते हैं? एक्वा. ठीक है, ये नहीं आता. कौन आता है बाहर? एक्वस ह्यूमर, है ना, जो एक्वस ह्यूमर होता है वो बाहर आता है. तो इसका आंसर हो गया फॉल्स. चलिए, द जंक्शन ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व वेयर सेंसरी नर्व सेल्स आर नॉट फाउंड. सेंसरी नर्व सेल्स मतलब जहां पर रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते. ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, यहां पर जो ये देखो, ये सारा ब्राउन ब्राउन लेयर बनी हुई है ये, बट कहां पर नहीं बनी हुई? इस पोर्शन में नहीं बनी हुई, यहां पर देखो. तो यहां पर हमारा होता है ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है,
अब जब यहाँ पर रेटिना के नर्व्स ही नहीं है, ऑप्टिक नर्व्स ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रॉड्स एंड कोन सेल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी लाइट रे अगर फॉल करेगी तो उसकी इमेज नहीं बनेगी। समझ आया बेटा? लाइट रे फॉल तो कर रही है, बट वहां पर उनको कोई रिसीव करने को ही नहीं है, तो वो क्या करेंगी? कोई भी इमेज नहीं बनाएंगी। रिसीव करने के लिए भी तो उनको कुछ चाहिए ना, लाइट तो चली गई बट उनको रिसीव नहीं कर रहे। जैसे आप किसी के घर जाओ है ना, और आगे लॉक लगाओ, तो क्या करोगे? वापस आ जाओगे? नहीं जा पाओगे ना आगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई रिसीव करने के लिए नहीं, कोई रोड्स नहीं है यहाँ पर, कोई फोन नहीं है, तो लाइट रेज कोई भी इमेज नहीं बना रही। इज दैट क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन का? ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट। वेरी गुड। चलिए अब एजर्शन एंड रीजन मुझे कौन बताएगा? एनीवन फ्रॉम द क्लास 8B? चलिए, अभिरूप कौर। चलिए बेटा, स्पॉट। हाँ जी, फर्स्ट रीड कीजिए। एजर्शन कह रहे, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, एंड रीजन, टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस। दोनों ट्रू हैं, बताइए। ये भी ट्रू है, फर्स्ट वाला तो ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स फॉल्स। व्हाई व्हाई इट इज फॉल्स? हमने लास्ट क्लास में एक्टिविटी की तो थी बेटा, दो मिरर्स लेकर हमने जब एंगल कम किए थे, ज्यादा किए थे, तो मल्टीपल इमेजेस नहीं बन रही थी कि पर्टिकुलर एंगल पे तीन इमेजेस बनी, चार इमेजेस बनी, पांच इमेजेस बनी। तो टू मिरर्स किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड होंगे तो वो मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ जी, ऑप्शन सी एजर्शन सी तो नहीं होगी ना बेटा, रीजन तो ट्रू है। बी बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा देखो, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। देखो इस चीज में क्या है, कैलिडोस्कोप में बेटा हमारे पास तीन मिरर्स होते हैं, है ना? जैसे कि ये बना हुआ है इस तरीके से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे तीन मिरर्स होते हैं। ठीक है, और हम नीचे बात करें, टू मिरर्स इंक्लाइन टू इच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस, तो हम इसका आंसर बी के साथ ज्यादा प्रेफर करेंगे जाना, ले ए भी सकते थे, बट प्रेफरेबल अगर ऊपर कैलिडोस्कोप का नाम ले दिया ना, तो बिकॉज टू मिरर्स नहीं बन सकता रीजन। या तो अकेला मिरर्स दिया होता कि नंबर ऑफ मिरर्स इंक्लाइन टू इच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस, फिर हम ए के साथ चले जाते, बट यहां पर टू के साथ हमें फिक्स कर दिया, और कैलिडोस्कोप में थ्री मिरर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बच्चे, चलिए जाइए, आप बैठ जाइए बेटा सीट पे। हाँ जी, सेकंड नाइन्थ क्वेश्चन, महेश्वरी फ्रॉम क्लास 8A। आइए बेटा जल्दी से, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आपके सामने मैं निकाल देती हूँ। चलिए, अ नॉर्मल आई कैन सी बोथ नियर बाय एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यस, इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ जी, आपकी आईज नॉर्मल है तो आप दूर या पास की चीज दोनों क्लियरली देख सकते हो, मैम ट्रू। एंड व्हाट वर द रीजन? थिकनेस ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द रेटिना। टू कौन कंट्रोल करता है बेटा थिकनेस को? कौन कंट्रोल करता है आई लेंस की, कभी उसको थिक करना, कभी उसको थिन करना, है ना? उसकी थिकनेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? मसल सिलियरी मसल्स। तो कौन कंट्रोल करते हैं? सिलियरी मसल्स। ठीक है बेटा, तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? सी ऑप्शन सी इज ट्रू, आर इज फॉल्स। हां जी बेटा, कौन बोल रहे हैं? मैम फर्स्ट सेशन का ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि रीजन फॉल्स है, उस पर 3 आना था 2 की जगह। कहां पे बच्चा?
मैम फर्स्ट असर्शन रीजन में नहीं बेटा, वो तो एक जर्नल हम बात कर रहे हैं ना कि कोई भी टू मिरर्स अगर इंक्लाइंड होंगे तो वो मल्टीपल इमेजेस दे सकते हैं, टू से ज्यादा भी हमें मल्टीपल इमेजेस दे सकते हैं। मिरर तो जितने मर्जी लगा दो, मिरर तो जितने मर्जी लगा दो, मल्टीपल मिनिमम हमें टू मिरर्स चाहिए। हमने की थी ना उस दिन एक्टिविटी, मेरे पास आज यहाँ पे रखा नहीं है सामान, हम दोबारा परफॉर्म कर लेते। आप थे बच्चा लास्ट क्लास में, Yes. तो हमने वो मिरर किया था ना, दो रख के छोटे मिरर रखे थे, कैंडल रखी थी बीच में, वो पिन रखी थी, Yes. तो उसके हमने की थी ना, उसमें हमने दो मिरर थी, देखो मल्टीपल इमेजेस बना ली थी, Yes. बनाई थी ना। तो रीजन जरूरी नहीं है ऊपर वाले से रिलेट होकर ही मिलेगा आपको, रीजन तो अलग, आप एजर्शन छोड़ दो, आप सिर्फ रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या ये ठीक दी हुई है कि गलत दी हुई है। आप फर्स्ट को बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ सेकंड को देखो कि टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव्स मल्टीपल इमेजेस, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बात सही है या गलत है। मैम ट्रू ट्रू है ना। अब इसको ऊपर वाले से रिलेट करके देखो, हम जब भी बेटा क्वेश्चन करते हैं ना, हमें अगर चेक करना होता है कि पीछे वाले के साथ ठीक है या गलत है, हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखना होता है, हम बिकॉज लगाकर देखते हैं। आप एजर्शन की स्टेटमेंट पढ़िए, जैसे कि अभी सेकंड नाइन्थ वाला देखते हैं, अ नॉर्मल आई कैन सी बोथ नियर बाय एंड फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज थिकनेस ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द रेटिना। ये तो कोई सेंस नहीं ना बनी, इट मीन्स एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। बात समझ आई, Yes. हमें एक्सप्लेन कर रहे कि नहीं कर रहा, एजर्शन हमें एक बात बता दी गई है, उसका कारण क्या है, क्या वो रीजन हमें जो नीचे दिया गया उसका कारण बता पा रहे, फिर तो वो ऑप्शन बन जाएगी ए। अगर नीचे वाला कारण हमें नहीं बता, जो रीजन हमें दिया गया वो हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो फिर स्टेटमेंट हो जाती है बाकी कोई में से बी सी या डी अकॉर्डिंग टू ट्रू और फॉल्स। ठीक है बच्चे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही ए और बी ऑप्शन से होती है ना, ट्रू और फॉल्स तो क्लियरली दे रखा है, फिर तो क्लियर हो ही गया ना आंसर। बताओ कोई और डाउट है तो बच्चा क्लियर होकर जाना, ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ अभी भी। कैलिडोस्कोप में एक्चुअली थ्री थ्री मिरर्स होते हैं, इसलिए हमने इसको फॉल्स मान लिया क्योंकि उसका रीजन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, Yes. ओके जी, चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन आई शोज ऑल द फिनोमेना ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। यस एनीवन फ्रॉम क्लास 8B? अंकित, बताइए बेटा आंसर। When assertion is true. यस, व्हाट रीजन? False. हाँ जी बेटा बिल्कुल ठीक बता रहे हो, assertion is true, reason is false, so which option is right? C. C. ठीक है बेटा, ये तो इजी सा था। 11th पे देखिए जरा, मैचिंग है हमारी लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग। हाँ जी, कौन सी होती है लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग, बताइए। चलो अगर डाउट होता है ना बेटा उस पॉइंट को छोड़कर नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, वैसे तो मैं नहीं बता रही हूँ आंसर, आप खुद चेक करना है कि इसका क्या होगा। बी का आंसर बताइए क्या होगा, जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनर चैम्बर, विट्रस ह्यूमर। तो इसका हो गया आंसर विट्रस ह्यूमर। कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इट इज कंट्रोल कौन करता है यहाँ पे? हमारे पास आईरीज की ऑप्शन है, प्यूपिल की ऑप्शन नहीं है, तो वी विल गो विद आई। फोकस इज द लाइट रेज एंटरिंग आर आईज। फोकस कौन करता है कि हमें दूर की भी चीज क्लियर दिखे, पास की भी चीज क्लियर दिखे, वो लाइट रेज को फोकस कौन कर पा रहा है, बताइए बताइए। यस, रेटिना या क्रिस्टलाइन लेंस? रेटिना के ऊपर तो बेटा फॉल कर गई ना, रेटिना कुछ नहीं कंट्रोल करता, रेटिना सिर्फ जो उसके पास पहुंचा वो सब उठा के ब्रेन को दे देगा, वो उसने और कुछ नहीं करना। रेटिना कहता है जैसा मुझे पहुंचाओगे वैसा का वैसा मैं ब्रेन को पहुंचा दूंगा, आगे ब्रेन जाने।
कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, ठीक है? तो कंट्रोल कौन करता है कि लाइट रे रेटिना पर ही फॉल करें हमेशा, उसको कौन कंट्रोल करता है? लेंस कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं फोकस करना, ठीक है? जैसे हम फोटो क्लिक करवाते हैं, कैमरामैन बोलते हैं ना थोड़ा आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इधर हो उधर हो, वो अरेंज कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है चीजों को कि सब चीजें क्लियरली दिखें। आई बात समझ? तो वो काम, कैमरे का काम कौन कर रहा है हमारा यहाँ पर? लेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटा? क्रिस्टलाइन लेंस। रेटिना। तो अब बताओ ए का आंसर क्या बचा? रेटिना। तो वैसे भी रेटिना ही होना था, लाइट सेंसिटिव और कुछ होता ही नहीं। अभी मैंने बताया रेटिना के पास क्या होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, और ये दोनों क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है बेटा? दीज आर लाइट सेंसिटिव, दैट्स इट। अगर कोई डाउट है बेटा बता दो, आज की वर्कशीट तो हमारी ओवर हो गई है। कुछ और आपने पूछना है, कोई भी डाउट है चैप्टर से, कोई क्लियर करना चाहता है कुछ, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, ह्यूमन आई वाला पार्ट, रेनबो में से, प्रिज्म में से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में से, किसी ने कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बता दीजिए। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस? क्रिस्टल बेटा, क्रिस्टल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो ये जो हमारा लेंस होता है ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, वो नहीं होता ओपेक, नहीं होता ये, इट इज अ ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए हम इसके लिए क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन वर्ड यूज करते हैं। क्रिस्टल का एक्चुअल में आपने सुना होगा क्रिस्टल्स, जैसे वो होते हैं ना, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स हैं, शुगर के जो क्यूब्स होते हैं वो भी क्रिस्टलाइन ही होते हैं, उस तरीके से होता है ये, ठीक ओके मैम। है बच्चा? और कुछ किसी ने पूछना हो तो पूछा करो बेटा, टेक सम इनिशिएटिव ऑफ आस्किंग, ठीक है? पूछते हो तो अच्छा लगता है सबको। हाँ जी बताइए, नेक्स्ट ए थे में से कोई आएगा मेरे से, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बी रेडी, नहीं तो मैंने क्वेश्चंस पूछ लेने हैं। हाँ जी बेटा बताइए, नाम क्या आपका? अंकित, हाँ जी बेटा अंकित बताइए। जैसे आपने कहा कि सबकी आई का कलर डिफरेंट होता है, जैसे हाँ अगर किसी का ब्लू कलर है तो उससे ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे मैम ब्लू कलर नहीं दिखता? नहीं, वो तो आईरिस ने रिफ्लेक्ट कर दिया ना, कलर क्यों दिखेगा? बाकी लाइट्स तो प्यूपिल से अंदर चली गई आईज में, बाकी तो व्हाइट लाइट कहाँ चली गई, अंदर चली गई ना। जितनी आईरिस के ऊपर फॉल कर रही है सिर्फ उतना, जो सिर्फ आईरिस के ऊपर पार्ट फॉल कर रहा है, ये देखो जितना, अब लाइट रेस तो बहुत सारी आ रही है ना बेटा, लाइट रेस तो बहुत सारी आ रही है, पूरी आईरिस पे फॉल कर रही है, पूरे प्यूपिल पे भी फॉल कर रही है, आईरिस वाली सिर्फ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और जो प्यूपिल के ऊपर फॉल कर रही है वो हमारे आई लेंस के पास चली जाएंगी, मैम ठीक है? हाँ जी, एनीवन एल्स फ्रॉम एट थे? नथिंग, चलिए। तो आपके एग्जाम्स थर्सडे से स्टार्ट हो रहे हैं आई थिंक, सैटरडे। सैटरडे से, चलो ठीक है जी। कुछ और आपने समझना है बेटा आप बता सकते हो, टॉपिक आपका कवर हो गया ये वाला, ठीक है? तो ओके देन आज के लिए फिर, ठीक है? यू कैन कंटिन्यू विद योर क्लासेस, ठीक है जी? बाय एवरीवन। बाय।